हाँ तो भाई देखो इधर कैसे हो आप लोग। मस्त हो। कल अपन ने तीन चीज देखी थी, त्रिज्या, कक्षीय वेग और ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले बात करी थी किसकी, त्रिज्या की। त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आया था आर वन हाइड्रोजन एन स्क्वायर अपॉन जेड। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो त्रिज्या है वो एन स्क्वायर के तो क्या होती है, समानुपाती, और जेड के होती है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ऐसे ही अपने को वेग के लिए याद रखना है कि जो वेग होता है वो जेड के तो समानुपाती और एन के व्युत्क्रमानुपाती। और यही चीज ऊर्जा में याद रखनी है कि ये जेड स्क्वायर के समानुपाती और एन स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। जेड यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक, और एन क्या है, कक्षा, कि कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। आर वन हाइड्रोजन का मान होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और जो आर एन अपने पीछे आया था उसका मान होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π² एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अपने यहाँ पे इसका मान सी बटे 137 याद रखना है। उसके अलावा भी एक मान और था, ठीक है, और वी एन, वी एन क्या होता है 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। यहाँ से एक अच्छा न्यूमेरिकल बनता है इन तीनों ऊर्जाओं के आधार पर, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे कि के ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि होती है 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। और पोटेंशियल एनर्जी होती है -kZe²/rn। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, दोनों में ये चीज कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ 1 है, माइनस का है, प्लस के 1/2 में से माइनस का एक जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये बच रहा है माइनस का 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। यहां से अपने को एक संबंध आ रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल एनर्जी के बराबर है, बस इनके चिन्ह विपरीत है। हाँ या ना, यानी अगर टोटल एनर्जी को मैं बोल दूं ई, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलूंगा, माइनस ई। बोलो हाँ या ना। पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या बोलने जाएंगे, वो इसको इससे देख लो, ये है आधा और ये है एक, यानी इस टोटल एनर्जी की दोगुनी हो गई रे। हाँ या ना, यानी अगर टोटल एनर्जी ई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2E होगी। ठीक है, मान लो अगर टोटल एनर्जी माइनस ई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस में ही 2E होगी। ठीक है, इनके चिन्ह समान रहते दोनों के, और काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, ये माइनस ई है तो ये प्लस ई। बताओ ये इंपॉर्टेंट संबंध आ गया। यहां से मैं क्वेश्चन तुमको बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे था, हाइड्रोजन के लिए किसी कक्षा में जो गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, या जो भी कक्षा वो मान रहा है, ठीक है, उसने कक्षा मानी या फिर हाइड्रोजन के अलावा कोई और परमाणु माना, और उसके लिए उसने जो भी माना मान, उसने ये दिया कि पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसकी बारे में बात की, कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है भैया, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके लिए आप गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बताओ ज्ञात कर सकते हो, अगर ये 27.2 है, कौन, पोटेंशियल एनर्जी, अपन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई संबंध बता सकते हैं क्या, या टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में संबंध बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। अपन इस ई की जगह, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2E, बताओ इस ई की जगह मैं टोटल एनर्जी रख सकता हूँ, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 × टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी यहाँ से अपने पास कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अपने पास कितनी आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है। अब अपने को ये पता है कि जो टोटल एनर्जी अपने पास है वो होती है, टोटल एनर्जी जो है वो होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से टोटल एनर्जी इतनी आई, तो अपन लगा देंगे, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी,
तो टोटल एनर्जी इतनी है, तो अपन क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी बोल सकते हैं भैया? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ हो जाएगा इस तरीके से? तो यहाँ से एक अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, और वो उसको कर पाओगे आप आसानी से। ओके, अब अपने को देखना है क्या चीज, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है, उसके लिए आवृत्ति देखनी है। क्या देखनी है? कि जो भी कक्षा में है इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसके लिए अपने को क्या देखनी है भैया? आवृत्ति। तो उसकी आवृत्ति देखने के लिए अपने को एक तो चाहिए होगा आर एन। आर एन बराबर कितना होता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम के जेड ई स्क्वायर, ये होता है। और एक अपने काम आएगा ये वी एन, तो वी एन का मान कितना होता है? 2π² पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये दो चीज काम में आएगी, ठीक है। तो इनको दो को काम में लेकर के अपन देखेंगे आवृत्ति। क्या देखेंगे भैया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आवृत्ति देखिए इसकी। हाँ जी, आवृत्ति के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? आवृत्ति के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आवर्तकाल की, कि ये जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं कितने वेग से? आर एन त्रिज्या का मतलब कोई एक वृत्ताकार चक्कर है, और उसमें वी एन वेग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति लगा चक्कर लगा रहा है। वी एन वेग से क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो उसके लिए मुझे चाहिए आवृत्ति। आवृत्ति ज्ञात करने के सबसे पहले मैं ज्ञात कर लाऊं इसका आवर्तकाल। क्या ज्ञात कर लेता हूं? और आवर्तकाल जो कैपिटल टी है वो होगा आपको पता है कितना? आवर्तकाल यानी समय, और मैंने आपको बताया दूरी भाग चाल। अरे दूरी चाल। भाग चाल, भूलोगे नहीं ना? तो दूरी भाग चाल में दूरी, दूरी कितनी तय करेगा ये यहां से यहां तक? परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होगी? 2π आर एन, ठीक है भैया। अब यहाँ पे 2π आर एन हो गई इसकी परिधि, ठीक है। दूरी भाग चाल, चाल कितनी है? वी एन, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो ये t बराबर है वो आ जाएगा 2π। बताओ आर एन का मान रख दूं यहाँ पर? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम के जेड, क्लियर है। फिर यहां से अपने को किसका मान रखना है? Vn, Vn नीचे है, यानी मान Vn का जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा रे, यानी NH तो ऊपर और 2π के z e स्क्वायर ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये अपन मान रख दिए अपन ने। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। इस 2π से ये 2π हो रहा है, तो t बराबर अपने पास क्या हो गया? n की पावर 3 h की पावर 3 अपॉन 4 m k स्क्वायर, ये आ रहा है। ये अपने पास क्या आया भैया? आवर्तकाल। अपने को क्या चाहिए? आवृत्ति। आपको पता आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति बराबर होती है 1/ आवर्तकाल, हाँ या ना? तो यहां से आवृत्ति क्या हो जाएगी अपने पास? आवृत्ति क्या हो जाएगा? 4π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n³ h³। तो यहां से अपने पास सीधी सीधी एक बात आ जाएगी क्या, कि ये जो आवृत्ति होती है क्या होती है? आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? सीधी सीधी जेड स्क्वायर के तो क्या होती है भैया? समानुपाती। और यहां से व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? n की पावर 3 के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? n की पावर 3 के, ठीक है। अब यहाँ देखो टाबरियों, ये आवृत्ति की बात हो गई क्या कंप्लीट? यहाँ पे अपन ऊर्जा के बारे में एक छोटी सी बात ऊर्जा के बारे में रह रही है। कौन सी बात? कि यहाँ पर जो ऊर्जा अपन ने पढ़ी थी टोटल एनर्जी, उसका मान कितना आया था अपने पास? हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा के लिए कितना आया था? -13.6। एनर्जी जो थी वन हाइड्रोजन के लिए वो आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। किसके लिए आई थी? ये हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की पहली कक्षा होती है, कौन सी कक्षा? जो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा होती है उसको क्या कहते हैं अपने?
उसको कहते हैं आद्य अवस्था। क्या कहते हैं? आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था। उसके ऊपर जो भी ऊर्जा स्तर होते हैं सबको क्या बोलते हैं? उत्तेजित ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? उत्तेजित ऊर्जा स्तर। क्लियर है? यानी जो सबसे पहला होगा n बराबर है 1, पहला पहला वो क्या कहलाएगा? आद्य ऊर्जा स्तर। क्या कहलाएगा? आद्य ऊर्जा स्तर। और उसके ऊपर जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो यहाँ से टाबरियों देखिए, सबसे पहला पहला, ठीक है, इसके लिए आपके पास ऊर्जा आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन के लिए, जब n बराबर 1 करने जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, क्या करते जाएंगे? ऊपर बढ़ते जाएंगे। अब कितना आ जाएगा? -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप और ऊपर जाएंगे तो अब कितना आ जाएगा? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और ऊपर जाएंगे -0.85। फिर और ऊपर जाएंगे -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम रुके ही नहीं रहे, से जाते ही गए रहे, तुम अनंत पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है क्या टाबरियों? पक्का? ये कंडीशन बनेगी रे। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूं मैं, इनके बीच में जो गैप है वो कम करता जा रहा हूं। हाँ देखो, यहाँ इनके मध्य जो गैप है वो काफी ज्यादा है, 10.2 है। कितना है? 10.2। दिख रहा है 13.6 से 3.4 तक जा रहे हो, तो 10.2 के समथिंग दिख रहा है आपको। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि हाइड्रोजन के प्रथम ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? दूसरे में। ठीक है, या प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये कौन सा है? आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ये बनेगा आपके एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट। उत्तेजित अवस्था कौन सी? प्रथम। यानी यहां जो गया है उत्तेजित अवस्था तो प्रथम है, लेकिन n बराबर 2 है। उत्तेजित अवस्था कौन सी है? प्रथम, लेकिन n बराबर कितना है भैया? 2। समझ आई बात? यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाता है तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए? उसको 10.2 चाहिए। ठीक है, तो गैप ज्यादा है कि नहीं है? फिर देखो, यहां से प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में जब ये जा रहा है तो देखो 3.4 और 1.5, एक बहुत कम ऊर्जा अंतर आ रहा है। फिर देखो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से इस पे जा रहा है तो और ही ऊर्जा अंतराल कम हो रहा है। फिर इससे इसमें जा रहा है तो ऊर्जा अंतराल और भी कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है ऊर्जा अंतराल क्या होते जा रहे हैं? इनके मध्य कम होता जा रहा है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या ये बातें? पक्का? तो यहाँ इस तरीके से हाइड्रोजन के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, -13.6, -4.0, -1.5। यहाँ मैं आपको दो परिभाषाएं बता देता हूँ टाबरियों। क्या बता देता हूँ? दो परिभाषाएं बता देता हूँ, और वो काम की परिभाषा है। देखिए आप सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ जो आद्य अवस्था में आप बैठे हो, नोट्स में दो पन्ने पलट के आगे जाइए, परिभाषाएँ आएगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद में। ये कौन सी अवस्था है? आद्य अवस्था है। कौन सी अवस्था भैया? आद्य अवस्था है। तो आद्य अवस्था से अपन इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहे? इलेक्ट्रॉन किसको? इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से? आद्य अवस्था से। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, कौन सी अवस्था में बैठा है भैया? आद्य अवस्था में बैठा है। इस आद्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को अपन ने भेज दिया कहाँ पे? अनंत पे। कहाँ भेज दिया? और इलेक्ट्रॉन को अनंत पे भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाती है इसकी आयनन ऊर्जा। क्या कहलाती है टाबरियों? आयनन ऊर्जा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहाँ से भेजेंगे? ग्राउंड स्टेट से अनंत पे। यानी आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई कि जो प्रारंभिक ऊर्जा स्तर है या आद्य ऊर्जा स्तर है वहां से इलेक्ट्रॉन को अपने पूर्णतः मुक्त कर रहे हैं। अनंत पे भेजने का मतलब पूर्णतः क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया। कि परमाणु में जो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, उन कक्षाओं में गति करते इलेक्ट्रॉन को अपन ने आद्य अवस्था से क्या कर दिया भैया? मुक्त कर दिया। पूर्णतः मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाती है उसकी आयनन ऊर्जा। परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगी भैया। किसकी खोपड़ी में? यहां से एक परिभाषा और बनती है आयनन विभव।
क्या बनती है भैया? तो इस आयनन ऊर्जा के संगत जो विभव है वो क्या कहलाता है? आयनन विभव। दोनों में कोई ज्यादा अंतर है? नहीं है। यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे ये बताओ ऊर्जा कितनी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी चाहिए? अरे अभी अपन ने बात करी थी कि यहां से यहां तक जाने में कितनी चाहिए थी? 10.2। क्यों? क्योंकि इसकी 13.6 थी, इसकी 3.4 थी, अंतर निकाल दिया। तो इसकी 13.6 और इसकी 0 है, इसकी कितनी है? 0। अंतर निकाल दो, 13.6 का आ रहा है। यानी यहां अपने को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये कहां चला जाएगा? यहां। यानी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन बनेगा। हाइड्रोजन के लिए आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा और आप अपने इन उत्तर को लिख करके सीधा परीक्षा को नेस्त नाबूद कर दोगे। क्या कर दोगे? नेस्त नाबूद कर दोगे। देखिए अब आयनन विभव, हाइड्रोजन के लिए पूछेगा आपको आयनन विभव। तो इस आयनन ऊर्जा के संगत जो विभव होता है वो कहलाता है आयनन विभव। तो यहां से देखिए आयनन विभव मान होगा 13.6 वोल्ट। विभव है ना, मात्रक वोल्ट। तो देखो ज्यादा अंतर नहीं है आयनन ऊर्जा और विभव में। यहां मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहां मात्रक वोल्ट है, बाकी दोनों चीज सेम है। बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद में एक ऊर्जा और आती है, वो आती है उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है भैया? उत्तेजन ऊर्जा। और इसके संगत जो विभव होगा वो हो जाएगा उत्तेजन विभव। ठीक है क्या टाबरियों? अब इनको अच्छे से समझो, ये परिभाषा भी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। देखिए क्या परिभाषा बनेगी यहां से, कि हाइड्रोजन के लिए या किसी भी परमाणु में क्या करते हैं, उसकी जो आद्य अवस्था है कहां से जाना है? आद्य अवस्था से किसी भी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन को भेजना है। किस में भेजना है? किसी भी उत्तेजित अवस्था में भेजना है, अनंत पे नहीं भेजना है, अनंत पे नहीं भेजना है। कहां से भेजना है? आद्य अवस्था से भेजना है। इसमें भी आद्य अवस्था से भेज रहे थे लेकिन सीधा अनंत पे भेज रहे थे, आयनन हो गया, मुक्ति हो गया, इलेक्ट्रॉन आयनन हो गया, प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, धनावेश धनायन बन गया, हाइड्रोजन था एच प्लस बन गया, खत्म कहानी। लेकिन यहां क्या करना है? यहां किसी भी उत्तेजित अवस्था में भेजना है। यानी यहां से देखो उच्चतम ऊर्जा स्तर में यहां भेज दिया, यहां से मान लो आद्य अवस्था से ही भेजना है। कहां से भेजना है? यहां से मैंने भेज दिया दूसरी ऊर्जा स्तर में, दूसरे उत्तेजित ऊर्जा स्तर में भेज दिया, या मैं इसको यहां से भेज सकता हूं यहां तीसरे में, या यहां से भेज सकता हूं चौथे में। तो तीनों चारों कंडीशन में हर बार क्या होगी? उसकी उत्तेजन ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? ये प्रथम उत्तेजन ऊर्जा हो गई, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, ऐसे उत्तेजन ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसको यहां से कहां भेज दूं? अनंत पे। क्या उत्तेजित ऊर्जा होगी? नहीं, ये बात गलत है, उत्तेजित ऊर्जा नहीं, वो फिर आयनन हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा? आयनन। अनंत पे भेजते इलेक्ट्रॉन ही मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गया? यानी अपन बोल देंगे उत्तेजन ऊर्जा की परिभाषा क्या बोल दोगे, कि आद्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को किसी भी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है प्यारे टाबरियों? और उसके संगत विभव क्या कहलाता है? दोनों परिभाषाएं याद रहेगी पक्का? अरे आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। क्या दौड़ना चाहिए रटाबरियों? दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? ठीक है, आज के लिए काफी है ये। ठीक है भैया, ओके, टाटा बाय बाय।